फ्रेंड्स, ये है साइड पॉकेट जो कि हम कुर्ते में देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम हाथ डालकर इस पॉकेट को यूज़ करते हैं। ये उसका मुंह है पॉकेट का। मैं हूँ आपका दोस्त ब्लाउज एंड बुटीक मास्टर नीलकंठ देवांगन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कुर्ते में साइड पॉकेट कैसे लगाया जाता है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को ये पता होगा कि ये पॉकेट कैसे लगाते हैं, फिर भी आइए देखते हैं मेरा पॉकेट लगाने का तरीका क्या है। यहाँ पर मैंने एक डबल फोल्ड कपड़ा लिया है दोनों साइड की पॉकेट बनाने के लिए, और इसको मैं किनारों से इसको सीधा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सिंगल कपड़े को फोल्ड करूँगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंगल को भी फोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ से ये पॉकेट की गहराई होगी, ये जो गहराई है 6.5 इंच होना चाहिए। आप अगर ज़्यादा गहरा करना तो 7 भी ले सकते हैं, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है अभी जो फोल्ड किए हैं उसमें। देखिए, 6.5 नापने के बाद ऊपर 1/2 इंच यहाँ पर बच रहा है ये। और उसके बाद जहाँ से निशान लगाए हैं वहाँ से लगभग मैं 1/4 इंच ले रहा हूँ, और ऊपर भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए फोल्ड करने के लिए। एंड पॉकेट का मुँह 6 इंच है, तो 1/2 इंच मैंने ज़्यादा रखा है। एंड इसकी चौड़ाई है लगभग 6.5 इंच यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। सेकंड पीस को दूसरे तरफ मैं फोल्ड कर रहा हूँ। आप चाहो तो एक ही तरफ दोनों को फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नोच लगा लेंगे जहाँ से हमने फोल्ड किया है। एंड जितना 1/2 इंच हमने यहाँ पर छोड़ा था वहाँ पर से लाइन खींच लेंगे, और यहाँ भी नोच लगा लेंगे। ये जो यहाँ पर 1/2 इंच का जो हम निशान लगाए हैं, उतना 1/2 इंच कपड़ा जो है सिलाई में दबना नहीं चाहिए। इसको फ्री रखना है अभी पॉकेट यहाँ पर बनाते तक। जब पॉकेट को कुर्ते में अटैच करेंगे तब यही वाला पार्ट जो है स्टिच होगा। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। एंड ये पॉकेट का जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर पॉकेट का मुँह बनेगा, उस हिस्से में यहाँ पर इसको ऐसा तिरछा भी काट सकते हैं, ऐसा इस शेप में, या तो गोलाई भी ऐसा दे सकते हैं। जैसा आपको शेप पसंद हो वैसा कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको गोल कर रहा हूँ इस तरीके से। तो लीजिए, अब हमारा जो पॉकेट है स्टिच होने के लिए तैयार है। आइए स्टिच करते हैं। अब ये है पॉकेट का कपड़ा, अब इसको हम पॉकेट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने नोच लगा के रखा है कि यहाँ पर इसको ऐसा फोल्ड करना है, यहाँ पर से इसको क्लोज करना है, और इधर भी यहाँ तक नीचे क्लोज रहेगा। 1/2 इंच यहाँ पर स्टिच करना है नीचे, ये पॉकेट का बंद वाला हिस्सा रहता है इतना, यही पॉकेट की गहराई होती है। मैं 6.5 इंच यहाँ पर रखा हूँ। ये यहाँ पर 1/2 इंच हिस्सा जो है फ्री करके रखना है, छोड़ के रखना है, जो कि सिलाई में दबे नहीं। इस तरीके से इसको हम पलट लेंगे, और इसका नोक जो है अच्छे से निकाल कर क्लियर करके हम इसको यहाँ पर अभी और स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ ऊपर से इसको ऐसा फोल्ड कर लेंगे। बारीक फोल्ड करना है, लगभग 1/4 इंच या उससे हल्का सा कम भी कर सके तो अच्छी बात है। एंड इसको स्टिच करते हुए ऐसे जो 1/2 इंच हमने छोड़ा है उससे फ्री रखना है, उसको दबाना नहीं है स्टिच से। नीचे उतरने के बाद फिर वापस ऐसे ऊपर आ जाएंगे। एंड यहाँ पर 1/4 इंच स्टिच करना है ताकि ये कवरिंग हो जाए, अंदर का जो धागा है पॉकेट में हाथ में ना आए, फंसे नहीं। अब यहाँ भी 1/2 इंच आते हुए यहाँ पर जहाँ से हमको इसको खुला रखना है 1/2 इंच, वहाँ पर से नीचे उतर जाएंगे एक सूत, और इसको पीछे ले जाकर ऐसे अंदर आ जाएंगे। तो ये जो 1/2 इंच का हिस्सा है वो फ्री रहता है, सिलाई में स्टिच नहीं होगा। और इसी तरीके से ऊपर की तरफ हम आ जाएंगे ऐसे फोल्ड करते हुए। तो देखिए, हमारा जो पॉकेट का जो कपड़ा है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं प्लेन कपड़ा लिया हूँ ताकि आसानी से हमको नज़र आए, और वाइट धागे से मैं सिलाई करूँगा। ये कुर्ते का मुंह है जहाँ से हाथ डालेंगे, ये चाक है नीचे की तरफ जो चाक खुलता है, ये सिलाई ऊपर की तरफ जाएगी आस्तीन की तरफ। देखिए, यहाँ पर पॉकेट का मुंह यहाँ पर खुला हुआ है। यहाँ पर इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ तक बंद है ये थोड़ा सा, और यहाँ पर खुला है, बारीक मोड़ कर यहाँ पर खोला जाता है, यहाँ पर इसका मुंह बनाया जाता है।
ये जो सिलाई है ऊपर ये आस्तीन से आती है, उसके बाद पॉकेट खुला है और 2.5 इंच उसके नीचे बंद रहता है और यहाँ पर चाक खुला है नीचे। तो आइए देखते हैं कि इसमें पॉकेट कैसे लगाते हैं। तो पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले जहाँ पर जॉइंट होता है उसको अच्छे से प्रेस में बैठा लिया जाता है। यहाँ पर निशान लगा लेते हैं कितना मुंह खोलना है। ये जो है जब हम पॉकेट लगाते हैं तो ये खुल जाता है, दूर हो जाता है। दोनों लाइन इस तरीके से चिपका हुआ होना चाहिए, खुला हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सेलो टेप लगा देता हूँ ताकि ये एक दूसरे से टच रहे, इसमें गेप ना बने। एंड ऊपर भी एक सेलो टेप लगा देते हैं। अक्सर बिगनर जो हैं यहाँ पर गलती करते हैं और ये जो दोनों लाइन होता है वो एक दूसरे से दूर हो जाता है, गेप बन जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको सिक्योर कर लिया है टेप लगा के। ये पॉकेट मैंने यहाँ पर बना के रखा है, इसे हम स्टिच करेंगे तो हमारा पॉकेट जो है यहाँ पर इसमें लग जाएगा। ये उसका बैक साइड है। इसका जो मूवमेंट करने वाला जो पार्ट है उसको इस तरीके से सिला जाता है कि ये आसानी से यहाँ पर मूवमेंट हो सके। इसको हमको इस कुर्ते में अटैच करना है तो हमारा पॉकेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये उसका सेंटर लाइन है और बैक साइड पर भी सेंटर लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये पॉकेट जो है बंद रहेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ खुलेगा। इसको इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे ऐसे, इसका सेंटर लाइन मिला लेंगे अच्छे से एंड ऐसे इस तरीके से स्टिच हो जाएगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, जो तरीका मैं अपने क्लास पर यूज़ करता हूँ इस पॉकेट को लगाने के लिए, स्टूडेंट को जैसा सिखाता हूँ वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे और ये जो है इधर आ जाएगा और ऊपर स्टिच हो जाएगा और ये लटकेगा यहाँ पर इस तरीके से, तो पॉकेट जो है आसानी से लग जाता है। पॉकेट खुलने के लिए जो हमने मार्क किया है इसे वहीं पर रखते हैं और यहाँ पर आल पिन से इस पॉकेट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। पिन अच्छे से लगा लीजिए, वैसे तो एक दो पिन काफ़ी है लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको दिक्कत होता है। आप अच्छे से इसको पिन अप कर ले, जितने पिन की आपकी आवश्यकता है यहाँ पर अच्छे से लगा लें। एंड इसका मूवमेंट पार्ट को इस तरीके से खोल लेते हैं और ये ऊपर का हिस्सा भी सेंटर मिला के यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लेंगे ताकि अपने जगह से ये हटे नहीं। देखिए इस तरीके से हमारा पॉकेट जो है सिर्फ ऑल पिन के सहारे ही यहाँ पर लग जाता है, बस इसमें स्टिच करने की आवश्यकता है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा यह पॉकेट लगाने का तरीका आप लोगों को कैसे लगा, चाहे आपको पॉकेट लगाना आता हो या नहीं आता था अभी तक। सो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ जो कपड़ा है वो दबना नहीं चाहिए, सिर्फ सिंगल कपड़ा जो यहाँ पर हमने खोल के रखा है वही दबना चाहिए। ये ऊपर कपड़ा नहीं दबना चाहिए, ये खुला रहना चाहिए। एंड यहाँ से स्टिच करते हुए हम आएंगे यहाँ पर और एक सूत नीचे उतरेंगे और यहाँ से स्टिच करते हुए ऐसे घूम के यहाँ पर आएंगे, फिर एक सूत नीचे उतर कर हम यहाँ पर आके लॉक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आइए मशीन पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम स्टिच स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टिच करना है और इस तरीके से इस पॉकेट को ऐसे उठा के रखेंगे यहाँ पर उसका नीचे का हिस्सा, तो ये स्टिच करने वाला पार्ट यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा जो है मैं स्वयं हैंडल भी कर रहा हूँ और स्टिच भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कैमरा जो है यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, तो इसके लिए सॉरी चाहूँगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर पिन्स हम निकालते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे इस तरीके से, धीरे धीरे हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पिन लगा के रखा है तो हमारा जो कपड़ा है वो अपने जगह से खसकने का डर नहीं है, ये यहाँ पर स्थिर है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से स्टिच करते हुए आएंगे और यहाँ पर एक सूत नीचे उतरना है, यहाँ पर कपड़े से बस एक टांका बस नीचे उतरना है ऐसे। अब इस प्लेजर को उठा के इसको ऐसा मोड़ लेना है, मोड़ने के बाद ये हिस्सा हम नीचे लेके जाएंगे ऐसे इस तरीके से, इसको अच्छे से इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे और इसको वापस एक सूत ऊपर चढ़ाना है। एंड इस तरीके से यहाँ पर हम
ऊपर पॉकेट के हिस्से पर आ जाते हैं और बस इसे किनारे किनारे स्टिच करना है और हमारा पॉकेट जो है स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हल्का सा कोना बनना चाहिए एंड यहाँ पर इस तरीके से दूसरे साइड पर भी स्टिच कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम उसी तरीके से एक सूत जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था उससे एक सूत पहले एक सूत हम नीचे यहाँ पर उतर जाएंगे ऐसे इस कपड़े से और जस्ट ये सिलाई के ऊपर आना चाहिए ऐसे और यहाँ पर हम इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे इस तरीके से। सो हमारा पॉकेट जो है यहाँ पर स्टिच हो गया है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। मेरे ख्याल से बहुत ही इजी तरीका है पॉकेट लगाने का और पिंस को हम निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पॉकेट कैसे लगा है। अब हम यहाँ पर इस पॉकेट का अनबॉक्सिंग करेंगे। यही अनबॉक्सिंग वाला फीलिंग यहाँ पर आएगा जैसे हम दूसरे चैनल्स पर कुछ अनबॉक्सिंग करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर हम पॉकेट का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। लीजिए सेलो टेप हम निकाल लेते हैं और नीचे भी सेलो टेप लगा हुआ है उसको भी यहाँ पर निकाल लेते हैं ऐसे इस तरीके से। फ्रेंड्स इसके बाद जो वीडियो आ रहा है उसमें हम देखेंगे कुर्ते की साइड की स्टिचिंग कैसे करते हैं एंड यहाँ पर कितना मुंह जो है पॉकेट के लिए खोलना होता है और कितना यहाँ पर क्लोज करते हैं इसका पूरा डिटेल जो है इसके बाद वाली वीडियो में होगा। जब मैं उस वीडियो को बना रहा था तो पॉकेट अटैच करने वाला जो पार्ट है थोड़ा सा मिस हो गया था इसलिए मैंने डिटेल में पॉकेट अटैच करने वाला ये वीडियो आपके लिए बनाया है। यहाँ से हम हाथ डालकर इसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं यहाँ पर अपना कोई भी ज़रूरत की चीज़ें। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे चैनल पर लगातार वॉच करते रहिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको सेलेक्ट कर लें। इससे मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में आई बटन पर नेक्स्ट वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे और लास्ट में भी इसके बाद वाली वीडियो का मैं लिंक लगा दूंगा। सो हमारे चैनल पर वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत।